अपने चैनल पे क्यों यार बीमा इतना ज्यादा कंसिस्टेंस रखते थे अपने चैनल पे अभी क्या हो गया तुमको मतलब हम ज्यादा आपके वीडियो दिखने लगे तो आपको अच्छा लगने नहीं लगा है क्या? ऐसा है तो बता दो, नहीं देखेंगे अब। हाँ ना यार इतने पहले कंसिस्टेंस के साथ आता था और इतने चुम्मेश्वरी मीम्स रहा करते थे, अभी लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है। बट कोई बात नहीं, वीडियो तो आया है, देखेंगे हम। सो लेट्स सी हाउ द मीमा मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते। ओके कहना है कि कौन कहता तुम में और मुझ में जुदाई होगी? कौन कहता कि तुम में और मुझ में जुदाई होगी? 12 बजे की बात। रुको जरा, सबर करो। कौन कहता कि तुम में और मुझ में जुदाई होगी, ये खबर पीछे वाले ने फैलाई होगी। और हम आपको अपने दिल में बसा लेंगे, जैसे कि राजा इतनी सी तो जगह मैंने बनाई हुई। लेकिन राजा जाके सुनो, तुमने इतनी बना ली तो समझा। बता हरामी हो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मीम आपकी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा फाड़ होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। अच्छा, और चैनल पर जो भी नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की मीम वीडियोस आती रहती हैं। चुप कर बे कुत्ते। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये वाली वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी ना कुछ मन्नतें अर्ज माता। मन्नतें हैं बताओ, तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं, हम पूरी करेंगे। आइए देखते हैं मजा आएगा। पहली ना ये कि इस साल कॉमेडी सर्कस मैं ही जीतूं। क्रोध मत दिलाओ मुझे। अच्छा ठीक है, हम मान वाली कर लेते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं स्टेज पे जाऊं तो जजेस लोग ना उस कपिल को ना देखें, मुझे देखें। मुझे ऐसा जरूर हो सकता है, कपड़े उतारो। समझ रहे हो? क्या ना, मैं मिस्टर खेकड़ा से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? थैंक यू योना। खेकड़ा जी, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। आईना देख लेते सरकार। जब बेइज्जती है। You know, and in India, Badshah Bhai is number one. Yeah. In this urban music scene, hip hop scene, and everything. And I'm number two. Oh, acha. Acha. Oh, oh, Badshah. That's my corner. Are you gun butt? Bus. हवा निकल गई। तो यह रसियन है। हाँ रसियन है। काहे की रसियन है, पूरा रसिया तो कवर करके रखा है। हरामी हो। रुको जरा। आप हमें इंडिया दिखाएंगे? आप हमें थोड़ा रसिया दिखाइए, हम आपको थोड़ा इंडिया दिखाएंगे। अरुई क्या चूसेगी? गजब बेइज्जती है। कटघरे में खड़ा ये इंसान 55 साल का और ये लड़की सिर्फ 28 साल की। लेकिन इस शख्स ने फेसबुक पे चैटिंग करते हुए इस लड़की को अपनी एज 35 साल बताया था, और पिछले 8 महीनों से ये अपने यंग एज का फोटो दिखा दिखा करके इस मासूम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। देख लो भाई, और शादी के सपने दिखाता रहा। और लड़की जब अपने घर से चोरी छिप के भाग करके इससे मिलने पहुंची, तब इसकी असलियत पता चली। तो आप मुझे लड्डू खिलाना चाहते हैं? ऐसा कह सकते हैं। मैंने तो आपको भांग लाने के लिए कहा था। अरे बाप रे, इन लड्डुओं में भांग मिली हुई है मैडम। भांग के लड्डू।
Wonderful. I love laddus. Stop it. ये क्या किया मैडम आपने, मुझे भांग बहुत टेस्ट करती है। अगर भांग चढ़ जाएगी तो आप भी चढ़ जाइएगा। समझ रहे हो आप? ये सामने से इनविटेशन आया है। तो कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो देखी वो बता रहा हूँ। अच्छा, बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या, मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूसते थे। तू समझा? हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपको हमारी किस बात से प्यार है, कोई एक चीज बताइए। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। अच्छा, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। अरे बाबा, पूछो कैसे? कैसा? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं हो गए। चल अब देने वाला रहता था। किन किन मतलब बीमारियों का इलाज करते हैं? शीघ्र पत्न, स्वप्न दोष, पतलापन, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा लंबा, समझ रहे हो? लंबे का बहुत वैरायटीज का, साथ ही साथ बवासीर, पेट में कब्ज और सब सबका नब्ज पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, नब्ज देख कर ही हम सारी बीमारियां बता देते। तो ये कमलेश भूसर जी का कहना है कि गुर्दे से लेके गांठ तक और कलेजे से आण तक कोई बीमारी हो नब्ज पकड़ के बता देते। चलो क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आप लोगों को कैसी लड़कियां पसंद है, रशियन या फिर इटालियन? सविता भाभी। राजा जी, क्या देख के प्यार हुआ है? क्या देखा आपने मुझे बताएं? कोई एक ऐसी चीज बताएं कि आप बोले मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आई है, कहीं आपको इसकी शोहरत से प्यार तो नहीं है? मुझे इसका वो पसंद आया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। क्यों? क्या हुई? घर वाले बोल रहे किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। ओके, और ये बरकत उसमें का भी अभी मैंने एक्चुअली इसके पहले ही शूट किया था वीडियो, ये वाला पिले एंड बरकत उसमें भाई। तो ये तीन लोग थे ना पॉडकास्ट, इतना बरकत भाई को रोस्ट कर रहे थे, और ही कांट इवन सी एनीथिंग। पिले 3-2-1 पिले हो गया, कैसा बोलता है मुझे नहीं, लेकिन मतलब इसके भी उसके भी रोस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंडियन यूट्यूबर्स भी उसके उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट कर रहे हैं। तो धीरू मंची का मैंने देखा था एक रोस्ट, भाई भाई भाई, वो पहले तो बिना क्या मास्क हड्डी का बॉडी है उसको, और भी रोज कर रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा ना वीडियो तो उसमें, लेकिन मीवा आप यार तुम भी बहुत चालू निकले यार, कंसिस्टेंट के साथ वीडियो ना लाए, लेकिन बढ़िया वीडियो था। मीन सो आई लव इट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, ऐसे और वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।